मेरे भाई कभी ना ऐसे सर से देख, ऐसे सर से टोपी हटा के और ये चीज दिखाओ, ये एक बार ऐसे दिखाना एक बार, लोगों को तब पता चलेगी कि आपके सर से टोपी जब हटेगी कितना माल पिए बैठे हो जो नेचुरल है। तेरी तरह लोगों का पागल बना के या सत्तू बुला के आगे नहीं बढ़ाओ, ठीक है? इतना मैं अपने पिछवाड़े में भी तुम रखता हूँ और जेब में भी कि तेरे जैसे को तो कहीं देख लो। बारे में बोला था जो कि एक स्कैम चला था हमारा 18 करोड़ रुपए का, जिसमें एक इंजेक्शन के लिए पैसे थे, तो आज आप जिसमें वो दो बंदे इन्वॉल्व थे जिनका मैंने नाम लिया था, उनकी स्कैम से पहले की लाइफ देखना और आज की लाइफ देखना, आप लोग खुद अंतर समझ जाओगे। मैंने वो भी चीज इसलिए बंद कर दी। तो हां जी, राम राम, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? आई होप मेरे छोटे बड़े भाई सब अच्छे होंगे। तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में नई वीडियो में। तो भाई सो के उठ चुके हैं, अपना 12:30 सो के उठा था, छोटा मोटा अपने घर का काम करा, तो अभी 1:30 बज रहे और 1:30 बजे पहुंचे जिम में। अभी जस्ट अपना प्री वर्कआउट खत्म करा, तो वो भी रात को रील आई मेरे पास, मैंने वो रील देखी जिसमें एक भाई अपना छाती पीट पीट के चीज बोल रहा है कि 1,20,000 मेरी तरफ से और अगर इतने ही पैसे हैं तो आगे अपने भाई बॉडी बिल्डरों को दो। पहली बात, वो भाई शायद मेरी बात भी समझे, मैंने कहने का क्या मतलब था, थोड़ा सा शायद कहते ना सत्तू से उस भाई का दिमाग थोड़ा सा जाम हो गया, मतलब खराब हो गया उसमें सत्तू की जगह, वो जम गया दिमाग उसका। मेरा उस भाई को बोलने का मतलब ये था कि दोस्त, आप पिछले 1.5 साल से सत्तू के नाम का खा रहे हो और नेचुरल लड़कों को बना रहे हो। पहली बात, जो आपका लड़का नेचुरल था मुझे नहीं पता भाई उस बंदे को मेरे से क्या खुंदक थी, उसने तो मुझे कर दिया ब्लॉक, ठीक है जी, पता नहीं मैंने तो उसकी शक्ल भी भाई तेरी वीडियो में देखी थी बस। और दूसरा, मैंने आपको कभी ये नहीं बोला था कि भाई मेरे पास बहुत पैसे हैं और मैं पैसे बांटूंगा। मैंने आपको एक चीज बताई थी छोटी सी कि अगर आपका जो बंदा है वो अगर नेचुरल है तो मैं उसे 3 लाख रुपए दूंगा, बेचारे की थोड़ा सा सहारा और लग जाएगा थोड़ी अच्छी बॉडी बनने में, मतलब 10-12 किलो चने और उसके हाल तो आ जाएंगे और जो आप खजूर वगैरह बोलते हो थोड़े से वो आ जाएंगे और जो उसकी डाइट है घर की वो अच्छी चल जाएगी, कोई बात नहीं। आप उस बात को कहीं और लेंगे, मुझे आके बोलते हो अपने बॉडी बिल्डर भाइयों को, पहली बात मैं एक बॉडी बिल्डर हूँ और मुझे इस चीज़ पे बहुत गर्व है और आपने वहाँ पे जाके कैश प्राइस दिया वो बहुत अच्छी बात है भाई, उसमें जाके दो आदमी को सपोर्ट लगेगी। शायद उस भाई की जगह मैं होता तो मुझे भी बहुत खुशी होती कि चलो 1:20 आए, 1:20 में मैं अपना आगे का खर्चा देखूंगा, मुझे कैसे कैसे चलाना है, ठीक है? मैंने आपको बोला था आप मुझे अपने बंदे की ब्लड रिपोर्ट दो, ब्लड रिपोर्ट और स्टेज पे भी 1:20 देने का तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा भाई, पहली बात तो ये मेरी खत्म होती है। अगेन मैं आपको एक चीज और बोलूंगा, अब आपको ब्लड रिपोर्ट देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट 15 से 17 दिन हो चुके हैं। अब अगर आप ये वीडियो देखने के बाद बोलोगे भैया ब्लड रिपोर्ट ले लो तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है क्योंकि इतने में तो कहीं से भी वॉश आउट हो जाता है इजिली, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका बढ़िया चल रहा है, लोग बढ़िया मूर्ख बन रहे हैं, उन्हें बढ़ाए जाओ और खाए जाओ। और एक बात कर रहे थे फॉलोवर्स की, फॉलोवर्स के लिए आप भूखे मरते हो, आप अपनी हर रील में हर वीडियो में बोलते हो तो वीडियो फॉलो कर लो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? तो फॉलोवर्स से भाई कुछ नहीं होता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा एक छोटा सा मन था जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं उन्हें थोड़ा सा अवेयर करा जाए, बट इनकी भी समझ में बात नहीं आएगी, ये कहीं के कहीं और ही रहेंगे जब तक इंडिया में फिटनेस इंडस्ट्री का उद्धार नहीं होगा, जब तक ऐसे लोग वीडियोस को सपोर्ट करेंगे ऐसे होंगे, मतलब बहुत सारे लोगों को मतलब बस उन्हें एंटरटेनमेंट चाहिए, उसको वो अपना गुरु बना लेते हैं और कब जाके वो अपना कंटेंट चेंज करके एक अच्छी वो बना लेते हैं आप लोगों को ये भी समझ नहीं आती। तो बहुत से भाई हैं मेरे जो समझ रहे हैं, बहुत से हैं जो मजे ले रहे हैं, तो भाई आप लोगों की अपनी मर्जी है। तो आ चुके अपना जिम करेंगे, अपना यहाँ पे शोल्डर आजमेंट हो गया ना, करेंगे अपना शोल्डर का बहुत तगड़ा वर्कआउट और जो होगा अच्छे से देखेंगे। बाकी एक चीज़ मैं आपको पूरी दिखा देता हूँ, मैंने एक चीज़ बोली थी एक वीडियो में कि मेरे पास उस भाई के लिए बहुत असला पड़ा हुआ है, अगर मैं चाहूँगा तो एक एक करके डालूंगा, जिस जिससे उसने ट्रेनिंग ली है ना वो अपने आप समझ जाएगा मैं किन किन का नाम ले रहा हूँ। एक मिनट, एक छोटी सी झलक दिखा देता हूँ वीडियो में, बहुत कुछ पढ़ा दो तेरे खिलाफ, मैं डाल नहीं रहा कि चल कोई बात नहीं, अभी तेरा दिखाता हूँ। एक मिनट इसका स्क्रीन शॉट लेना पड़ेगा क्या? जूम नहीं हुआ यार, छोड़ दी, एक मिनट दोस्तों स्क्रीन शॉट ले लेते हैं पहले, ये आ गया जी। पहले आपको दिखाएंगे नाम, ठीक है, फिर दिखाएंगे, पहले आप नाम देख लो, चलो इतना ही देख लो, छोड़ो बाकी आप सारा छोड़ो, यही देख लो। इसके नीचे की चैट ना मेरे पास और भी पड़ी है, थोड़ा फोकस करके देख लो इसे, यही भैया है। एक और इसके नीचे एक और दिखा देता हूँ, ये भी देख लो, है ना? तो चिट्ठा दोस्त तेरा बहुत पड़ा है मेरे पास, जिन जिन से तूने ट्रेनिंग लिया ना वो सब अपने खास हैं,
तो बस कहने का मतलब इतना ही, तेरा बढ़िया घर चल रहा तो अपना चलाएगा, और मेरे से तो खैर तो दूर रहे, क्योंकि मैं बोलने बालने में बिलीव नहीं करता दोस्त, ना किसी के मैं बाप का लेके खा रहा। जिस दिन उतारूंगा अच्छे से उतारूंगा और हर तरीके से उतारूंगा। पहले एक बार आगे कुछ भी बोलने से पहले बैकग्राउंड चेक करियो, समझ आएगी कौन है कैसे है। तेरी तरह लोगों का पागल बना के या सत्तू बुला के आगे नहीं बढ़ाऊं, ठीक है? इतना मैं अपने पिछवाड़े में भी तुम रखता हूँ और जेब में भी, कि तेरे जैसे को तो कहीं नहीं मिलूंगा। तो बस समझाने वाली बात थी एक, समझ तेरी, तुझे नहीं समझाना था मुझे कभी, तू सोचे कि मैं तुझे समझाऊं, तुझे नहीं समझाना था मुझे, मुझे समझाना था अपने दो चार भाइयों को, ठीक है? तो करते अपना वर्कआउट स्टार्ट। चलो मेरे भाई, कभी ना ऐसे सर से देख, ऐसे सर से टोपी हटा के और ये चीज दिखाओ, ये एक बार ऐसे दिखाना एक बार, लोगों को तब पता चलेगी कि आपके सर से टोपी जब हटेगी कितना माल पिए बैठे हो, जो नेचुरल का एजेंडा आप लेके चल रहे हो, ठीक है? तो चलो करते हैं ट्रेनिंग, मैं भी खा लेता हूँ थोड़ी सी स्टैंड और क्लेन, कि अब तक मेरे एब्स क्लियर हो जाए। चलो स्टैंड और क्लेन, और क्या खाते हैं उसके लिए यार? फैट कटर तो नहीं खा, मेरे कोई फैट कटर है भाई? आप बता देना आपने लोगों को जो जो फैट कटर रिकमेंड करें, मेरे पास एक दो के नाम है, फिर मैं बताऊँगा आपको, ठीक है? चलो चलिए भाई, अपनी नई ट्रेनिंग आज स्टार्ट करते हैं शोल्डर की, अपने नए वर्कआउट पार्टनर के साथ। और इस टाइम आता सबसे ज़्यादा चेंज करने में मज़ा, वर्कआउट के लिए खाली रहता पूरा दोपहर में, हालांकि जल्दी आ जाता है, बट उसे भी चेंज करेंगे, डिसिप्लिन में रहोगे तो हमारा डिसिप्लिन सहन कर पाओगे। सेट है, वेट है 40 किलो ईच, 40-40, और देखते हैं कितने रैप इसके लगेंगे। सो भाई, अपराइट वैसे आपने बहुत बार करी होगी बट रॉड से, और आज मैं किसी नई वेरिएशन से करने वाला हूँ, जो कि अपने डंबल से, ठीक है? सेम इसमें वही मूवमेंट रहेगी जो रॉड से रहती है। बारह किलो हल्का रह गया बट एल्बो इसमें ऊपर की तरफ गए, जैसे रॉड से
डन खत्म। तो ये थी अपने कुछ 5-6 एक्सरसाइज अपने शोल्डर की। तो देखो टाइम भी पता नहीं चले कितने, 4 बजे 1:30 बजे में जिम आया था, तो वो भी चल रहे हैं। पहले कुछ खा लेते हैं, सुबह से बस खाली 7 अंडे खाए, ठीक है। तो जो खाऊंगा वो आपको दिखाता हूँ और करता हूँ, भाई एक बहुत प्यारा मैसेज देता हूँ वो जरूर सुनना। चलो तो लीजिए भाई, वो गाड़ी पे कपड़ा लगवा और देखो कैसा कपड़ा मारा मेरे भाई ने, देख रहे हो ये देखो। चलो चलते हैं। तो लीजिए भाई, टाइम देखो 4:06 और निकल चुके हैं जिम से। समय का पता ही नहीं चली कि कब 1:30 से 4 बज गए। जिम में थोड़ा सा वर्कआउट करा, थोड़ी सी बातचीत आप लोगों से करी। तो अब मैंने जो आपको बोला था एक प्यारा सा मैसेज देना, तो मैसेज वो ये है कि मैंने बहुत ही प्यारे शब्दों में उन भाई को बोला था कि भाई अगर आप नेचुरल हो, क्योंकि आप एक साल से पिछले बोलते आ रहे हो कि मैं नेचुरल हूँ, ये हूँ, और जिन भाई को आप करा रहे हो, तो मैंने कहा ठीक है यार कैप्टन नितिन मैं तू गलत हो। तो मैंने एक छोटा सा कैश प्राइज रख दिया कि भैया मेरे पास इतने पड़े हैं, अगर सीधी बात मैं बोलता हूँ भैया मैं लेता हूँ, और अगर आप लोग बोलो भैया अगर तू ले रहा है तो रिपोर्ट दे, तो भैया मैं तो छाती छोड़ के दूंगा, लो देखो मैं तो ले रहा हूँ। अगर आप बोलते हो नहीं ले रहे तो एक बार रिपोर्ट शेयर कर देते, भाई मैं गलत हो जाता, मेरे जो भाई हैं मतलब 1.5 मिलियन अपनी जो फैमिली है उनके सामने, और आपकी जो आपने कमाई है उनके सामने। तो जो एक चीज आप ही बोलते हो ना कि फॉलोवर्स से फर्क नहीं पड़ता, तो हर वीडियो के एंड में मेरे भाई बोलते क्यों हो आप कि जरूर फॉलो कर लेना, ये कर लेना, भाई फर्क हर चीज से पड़ता है, ठीक है। तो मैंने तो आपको एक बहुत छोटी सी चीज बोली थी, भाई मुझे गलत साबित कर दो और दे दो रिपोर्ट। खैर अब मुझे आपकी रिपोर्ट की नीड नहीं है, ना मुझे रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि इस बात को 15-17 दिन हो चुके हैं, और कहीं भी किसी भी बॉडी से 15-17 दिन में एक तो हाथ में दर्द होता है यार, पहले थोड़ा कैमरा घुमा लूं, फोन पकड़ते हो ना हाथ में दर्द हो जाता है, तो किसी भी बॉडी से 15-17 दिन में वॉश आउट ईजिली हो सकता है, ठीक है। एक बात तो ये होगी, दूसरा आप भाई लोगों की हेल्प कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, करो खूब हेल्प करो। बट एक चीज बताओ, आप जिस भाई को एक साल से अपनी रील्स में वीडियोस में पेल रहे हो, दबा के पेल रहे हो, उस भाई को आपने आज तक कहाँ मेंशन करा, उसके साथ कहाँ कोलैबोरेशन करा है? नहीं करा ना, वो इसलिए नहीं करा क्योंकि तुम्हें एक डर है कि ये कहीं मेरे से ज्यादा फेम ना ले जाए, ये कहीं मेरे हाथ से ना निकल जाए। और एक बात और बताऊं, मैं तुम्हारी तरह लोगों को पाउडर बेक के या फिर ये फालतू की बकचोदियां करके यहां तक नहीं पहुंचा दोस्त, बहुत मेहनत करी है। और इस बात का भी मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ, उस दिन में मैंने लास्ट वीडियो में बोला था जितने मैंने कंपटीशन खेले हैं ना, जितना मैंने अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करा है, आप तो छोड़ो आपकी तो खैर उम्र होगी, आपकी पूरी जिम में, पूरी जिम का चैलेंज कर रहा हूँ, पूरी जिम में भी अगर कोई इतना कर जाए ना तो मुझे बता देना ये चीज़, ठीक है। तो गाइस भूख लगी है बहुत तेज और चल रहे अपना घर। कहने के लिए तो बहुत कुछ है भाई, कहने के लिए भी बहुत कुछ है और दिखाने के लिए भी बहुत कुछ है। किसी कॉन्ट्रोवर्सी में पड़ता नहीं हूँ, पहले भी आप लोगों को याद हो जो मुझे बहुत पहले से देख रहे हैं, हाथ दर्द हो रहा है, एक मिनट पहले हाथ दोबारा घुमा लूँ, ऐसे बोल दूँ क्या? नहीं ऐसे नहीं, बोलने में मजा नहीं आएगा, आप लोगों को शक्ल दिखा के बोलूँगा। पहले भी आप लोगों को याद हो तो मैंने कंट्रोवर्सी के बारे में बोला था, जो कि एक स्कैम चला था हमारा 18 करोड़ रुपए का, जिसमें एक इंजेक्शन के लिए पैसे थे। तो आज आप जिसमें वो दो बंदे इन्वॉल्व थे जिनका मैंने नाम लिया था, उनकी स्कैम से पहले की लाइफ देखना और आज की लाइफ देखना, आप लोग खुद अंतर समझ जाओगे। मैंने वो भी चीज़ इसलिए बंद कर दी कि ना मेरी ये ना एक आदत है, अगर मुझे कोई उल्टा बोले ना, मेरे को वीडियो खेलना नहीं आता कि यहाँ से मैं वीडियो बनाऊँ, वहाँ से वो वीडियो बनाए, फिर मैं यकीन करता हूँ दूसरे तरीके में कि जिसमें जो जोर होगा वो देखी जाएगी, ठीक है जी। ना गाली देना पसंद, ना सुनना पसंद, तो यही है बस यार। हाथ दुख रहा तुम्हारी कसम बहुत तेज, तो वो भी थोड़ी रेस्ट लेके फिर बनाऊँगा, पहले नारियल पानी पी लूँ, इतने हाथ को भी रेस्ट मिल जाएगा, फिर आप लोगों से बात करेंगे। चलो ये रहा नारियल पानी वाला, देखो यही है, ये भी दिक्कत है भाई, वो आ जा भाई नारियल पानी दे दे, देखो उठती आएगा, 4 पैक कर दो, 1 पीने के लिए दे दो, ठीक है भाइयों। तो नारियल पानी ले लेते हैं और देखेंगे क्या रिस्पॉन्स आता है उस भाई का, कैसे आता है। मैंने तो बहुत प्यारा है मेरा, खाली वीडियो बनाने का ये मतलब था कि आप लोग समझ जाओ, सही का सही और गलत का गलत करना सीखो, समझदार बनो। बाकी पढ़े लिखे हो यार आप सब, मेरे बताने की भी जरूरत नहीं है कि कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है। अगर मैंने किसी को कोई सही चीज़ नहीं बताई तो मैंने आज तक गलत भी नहीं बताया, और इस चीज़ पर मुझे प्राउड है अपने ऊपर। तो ये वाली वीडियो अपनी इतनी थी, चल रहे हैं घर, रेस्ट करेंगे, खाएंगे। अच्छी लगी हो, बात से सहमत हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। बाकी खुश रहो, खाते पीते रहो, मौज में रहो। हमारा नारियल पानी आ गया, इसे पी के हम मौज में रहेंगे, ठीक है जी। ये आ गया, चलो।